हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 15G फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि 15G फॉर्म भरना किन लोगों का, उन लोगों का है तो जिन लोगों को FD इंटरेस्ट और लटारी और भी बहुत सारी इनकम है। तो मैंने FD इंटरेस्ट के बारे में बता रही हूँ। FD इंटरेस्ट और बैंकों के और भी कोई प्रोडक्ट से इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है। इससे पहले कि इनकम का थ्रेशोल्ड लिमिट था 10,000 रुपया। तो चलिए, नेम ऑफ द SSC, इसका मतलब आप खुद का नाम डाल दीजिए। मैंने ऐसे ही मेरा चैनल का नाम डाल दिया। यहाँ आपका पैन नंबर डाल दीजिए, यहाँ आपका स्टेटस इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर, मतलब है करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल में आप किसी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी का फाइनेंशियल ईयर डाल दीजिए। मैंने 2020 का जुलाई मास में मैंने ये फिलअप कर रही है, तो ये मैंने 2020-21 डालना। उसके बाद रेशन स्टेटस, यहाँ रेसिडेंट होगा। इसके बाद है आपका एड्रेस, ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ द प्रेमिसेस, रोड एरिया, पिन नंबर, स्टेट, टाउन। प्रेमिसेस मतलब आपका एरिया, गांव का नाम होगा, और भी आपका कोई बिल्डिंग है तो वो उसका नाम भी चलेगा। इसके बाद है आपका ईमेल आईडी, आप वैलिड ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर, 14 नंबर पॉइंट में आपका मोबाइल नंबर रहेगा। अब आपका खुद का वैलिड मोबाइल नंबर डाल दें। इसके बाद 15A, यहाँ पूछ रहे हैं वेदर असिस्ट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये पूछ रहे हैं कि आप इससे पहले कभी इनकम टैक्स फाइल किया है, तो आप यहाँ यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। मैंने यस किया है। इसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर व्हिच असिस्ट, यहाँ पूछ रहे हैं कि जिस साल आप ये फिलअप किया है, इनकम टैक्स फाइल किया है, उसका लेटेस्ट ईयर। मैंने पिछला साल, पिछला फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यहाँ डाल दिया। इसके बाद एस्टिमेट इनकम फॉर व्हिच व्हिच डिक्लेरेशन ईच में, यहाँ आपका अमाउंट डालना है जिस अमाउंट के लिए आप 15G फॉर्म यहाँ भर रहे हैं। मान लीजिए इसी अकाउंट के लिए आपका 1,00,000 रुपया मिल रहे हैं, तो आप यहाँ 1,00,000 रुपया डाल दीजिए यहाँ। इसके बाद यहाँ एस्टिमेट टोटल इनकम, ये बाद में बता रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ 18 में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फिल, यहाँ पूछ रहे हैं कि इसके अलावा और इतने 15G फॉर्म आप फिलअप किया है। मान लीजिए आपका और भी 2-3 बैंक में FD है, तो आप वहाँ भी ये फिलअप किया है, तो यहाँ आप 15G फॉर्म का नंबर जो है टोटल यहाँ डाल दीजिए। यहाँ मैंने ऐसे ही 3 डाल दिया। इसके एसोसिएट इनकम कितना है, तो मैंने 4,00,000 रुपया यहाँ डाला। आपका जितना होगा 3 बैंकों में और 15G फॉर्म के रेस्पेक्ट में आप यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद ये अमाउंट और ये अमाउंट, मतलब 16 नंबर पॉइंट में जो 1,00,000 रुपीज और 18 नंबर कॉलम में जो 4,00,000 रुपीज है, वो मिला के आप 17 नंबर बॉक्स में डाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं कि एस्टीमेट टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब आप इसी फाइनेंशियल ईयर में कितने आपको आमदनी हो सकती है, ये आप यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद है जिस अकाउंट के लिए आप 15G फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर व आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई है, तो यहाँ डाल दीजिए। मैंने सैम्पल के तौर से डाला है। नेचर ऑफ द इनकम, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल, इंटरेस्ट इनकम फर्स्ट टाइम 194A के अंदर आता है, तो यहाँ आप डाल दीजिए। मैंने ओन इनकम इस सेक्शन के अंदर आता है, तो मैंने बाद में एक वीडियो ले आऊँगी, आप जरूर वहाँ देखिए। इसके बाद है अमाउंट ऑफ इनकम, इसके रिस्पेक्ट में आपका इनकम कितना होगा। तो मान लीजिए आपका 1,00,000 होगा, पहले से आप दिया है, तो आप 1,00,000 रुपया डाल दीजिए। मतलब है इसी 15G फॉर्म के रिस्पेक्ट में आपका कितना इनकम हो रही है, तो आप यहाँ डाल दीजिए। आपका और ज़्यादा इनकम है बा जॉब और FD है, तो आप यहाँ नंबर डाल दीजिए, यहाँ नेचर दीजिए, सेक्शन दीजिए, और यहाँ यहाँ
और भी अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद है आपका सिग्नेचर, यहाँ सिग्नेचर कीजिए। इसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन है आपका खुद का नाम डाल दीजिए। यहाँ देखिए ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, असेसमेंट ईयर होगा इससे पहले, जो आप जो जिस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं उसी का असेसमेंट ईयर, मतलब इसी साल मैंने 2020 में मैंने फिलअप किया कर रही हूँ उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 21-22। इसके बाद है एंडिंग ऑन 31 मार्च, इसके बाद फिर से यहाँ 21-22 डालना है। इसके बाद आप यहाँ अपना सिग्नेचर डालिए। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, ये आप बैंक का काम है। ठीक है, थैंक यू वाचिंग माई वीडियो।